हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं बनाऊंगा एक इंडिपेंडेंस डे का फ्लावर। उसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स ये सब हैं। हमें पहले एक पेपर को हाफ फोल्ड करना है। इसे हाफ फोल्ड करने के बाद हमें इसके बीच वाले लाइन पे कट करना है। अब हमें इन दोनों शीट्स को भी ऐसे ही कट करनी है। अभी मैंने इन तीनों को कट कर लिया है। हमें इस शीट को हाफ फोल्ड करना है पहले। मैंने इसे हाफ फोल्ड कर लिया। अब मैं एक स्केल की मदद से इसको हाफ में ड्रॉ करूंगा। हमें हाफ इंच का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अभी हमें एक सीजर लेना है और जहां से खुला वाला साइड होगा उधर से ही कट करना है। अब मैंने सारे स्ट्रिप्स को काट लिया है। अब हमें जो बीच वाला स्ट्रिप है उसका दो डबल कट गए, तो फिर हमें उसको अलग से काटना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने सारे कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो रिफिल ली थी उसको हम करी करेंगे पेपर को। ये देखिए,
अब हमें सारे शेप्स को ऐसे कली कली करना है। अब मैंने तीनों कलर को रिंग कर दिया है। मैंने लिया है एक A4 साइज शीट एक स्टिक बनाने के लिए। तो फिर एक कॉर्नर से हमें इसको रोल करना पड़ेगा। अब मैंने इसको रोल कर लिया है। अब मैं एक रिंग लूंगा और उसके पीछे वाले साइड से रोल करता जाऊंगा। अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे। अब हम इसमें राउंड राउंड करेंगे। अब मैंने फ्लावर्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।